हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एंगल ग्राइंडर के सेफ्टी टिप्स पर। एंगल ग्राइंडर से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और मेरे घर पे भी एक्सीडेंट हो चुका है। आज का जो वीडियो है वो है डेडिकेटेड सेफ्टी टिप्स पर। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगल ग्राइंडर से कटिंग कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ के करें या फिर राइट हैंड साइड से पकड़ के करें। सपोज मैं हूँ राइट हैंडेड, तो मैंने एंगल ग्राइंडर ऐसे पकड़ लिया और ये जो हैंडल है ये मैं इसका ऊपर लगा दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब मैं इसको ऐसे कटिंग करूँगा, ठीक है। बट यदि मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड तो मैं क्या करूँगा, एंगल ग्राइंडर को ऐसे पकड़ लूँगा। और देखिए, कंपनी ने यहाँ भी एक ऑप्शन दे के रखा है हैंडल लगाने का, तो मैं यहाँ पर हैंडल लगा लूँगा और ऐसे काटूँगा। तो सही तरीका क्या है, ये वाला सही तरीका है या फिर ये सही तरीका है? देखिए, एंगल ग्राइंडर से ऑब्जेक्ट काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इस तरह से। जो आपकी ब्लेड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आना चाहिए, बस यही एक तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि आप ऐसे काटेंगे तो आपकी ब्लेड 110% ये टूटेगी ही टूटेगी। इसको फिर टूटने से कोई नहीं बचा सकता है, और फिर ये कहाँ जाके लगेगी, गॉड नोज। तो आप ऐसे कभी मत चलाएं, आपको चलाना है ऐसे। अब बताती है कि फिर हम एंगल ग्राइंडर को कैसे पकड़ें यदि हम लेफ्ट हैंडेड हैं। तो देखिए, पहले जरा मैं इसमें हैंडल लगा लेता हूँ। तो यदि मैं राइट हैंडेड हूँ तो इसकी जो बॉडी है वो मैं पकड़ूंगा राइट हैंड से और हैंडल पकड़ूंगा लेफ्ट हैंड से। और यदि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो लेफ्ट हैंड से पकड़ूंगा बॉडी और राइट हैंड से पकड़ूंगा हैंडल। खास तौर से जो बिगनर्स हैं वो इस बात को ध्यान दें कि ये जो आपकी ब्लेड है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आना चाहिए। यही सिर्फ एक तरीका है एंगल ग्राइंडर से ऑब्जेक्ट काटने का। अब बात आती है कि हम लोग एंगल ग्राइंडर रखे कैसे। तो यदि आप कोई भी एंगल ग्राइंडर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो उठे हुए भाग मिलेंगे, यह है इसका स्टैंड। तो एंगल ग्राइंडर इस तरीके से रखा जाता है। अब यदि मैं आपको ये वाला एंगल ग्राइंडर दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी दो उठे हुए भाग हैं जो कि इसका स्टैंड होता है। तो हम एंगल ग्राइंडर को इस पोजिशन पर रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप ग्राइंडर चलाएं तो इसमें हैंडल और गार्ड लगा के ही चलाएं। मगर अब ये सवाल आता है कि क्यों हम हैंडल लगाएं, क्यों हम गार्ड लगाएं, क्यों सब लोग इसको लगाने पे इतना जोर देते हैं? तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। जैसे कि हमारी ड्रिल मशीन हो गई, उससे हम काम करते हैं ड्रिलिंग का। फिर आ जाता है हमारा ट्रिमर, उससे हम काम करते हैं ट्रिमिंग का। फिर आप बात करते हैं वॉल सेंडर की, तो उससे हम काम करते हैं सेंडिंग का। और अगर मैं बात करूँ वुड प्लेनर का, तो उससे हम काम लेते हैं रंधे का। अब बात आती है हमारे ग्राइंडर की। इससे आप कर सकते हैं बफिंग, पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग, क्योंकि ये उसी के काम के लिए बना है। मगर हम इससे क्या काम ले रहे हैं, कटिंग का। हम इससे काटते हैं मेटल, और कुछ कुछ लोग तो इससे वुड भी काटते हैं। और दूसरी बात, इसका नाम एंगल कटर नहीं है, इसका नाम है एंगल ग्राइंडर। तो जब भी आप ग्राइंडर की मशीन से कटिंग का काम करेंगे तो उस केस में आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप इसको चलाएं तो हैंडल और गार्ड के साथ ही चलाएं। अब एंगल ग्राइंडर से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ये कि जो एंगल ग्राइंडर है वो किकबैक करता है। सपोज आप ये ऑब्जेक्ट काट रहे हैं, अब अचानक से एंगल ग्राइंडर किकबैक करेगा और ये पलट जाएगा ऐसे 360 डिग्री में, और आपका अंगूठा या फिर आपके हाथ की बली ले लेगा। यहाँ से काटेगा आपका हाथ और फिर ये घूमते घूमते चक्कर काटते काटते नीचे गिर जाएगा, और यदि इसमें आपका पैर आ गया तो आपका पैर भी कट जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ये किकबैक करता क्यों है। सपोज हम काट रहे हैं, अब ये किकबैक क्यों किया इसने, क्यों 360 डिग्री में घूम गया? उसका रीज़न ये है कि एंगल ग्राइंडर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एंगल ग्राइंडर घूमता है घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और वुड कटर मशीन जो है ये घूमती है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। इसलिए जो वुड कटर मशीन है ये कभी नहीं पलटती हैं, किकबैक नहीं करती हैं, किकबैक हमेशा करता है एंगल ग्राइंडर। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने वुड कटर मशीन पे यहाँ एरो लगा दिया है और ये एंगल ग्राइंडर पे भी यहाँ एरो आपको दिख रहा है। तो चलिए पहले हम चलाते हैं अपनी वुड कटर मशीन। तो देखा आपने, ये घूम रही है क्लॉकवाइज। अब मैं चला के बताता हूं अपना एंगल ग्राइंडर जो कि घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ये इस प्रकार से घूमता है जो कि है घड़ी की विपरीत दिशा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इसलिए अक्सर ये 360 डिग्री में पलट जाता है। ग्राइंडर को पलटने से रोकने के लिए आपके पास एक ही तरीका है,
और वो है उसका ये हैंडल। अगर हैंडल नहीं होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। एंगल ग्राइंडर का RPM 11,000 या फिर उससे ज़्यादा होता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि आप एक ऐसी कार में बैठे हैं जो 200 या फिर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब आप सोचिए कि यदि उस कार का एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। एंगल ग्राइंडर आपको हमेशा दो हाथ से पकड़ के ही चलाना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक हाथ में ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और फिर दूसरे हाथ से कुछ इस प्रकार से काटते हैं, तो ये जो तरीका है ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप इस प्रकार से काटेंगे और यदि एंगल ग्राइंडर ने किक बैक मार दिया तब फिर आप एंगल ग्राइंडर संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके एक हाथ में रहेगा ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट फिक्स करने के लिए बेंच वाइस या फिर क्लैंप का ही इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास क्लैंप नहीं है और आपके पास बेंच वाइस भी नहीं है, तब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एंगल ग्राइंडर का यूज़ ना करें और ना ही इसे चलाएं। और यदि आप एंगल ग्राइंडर घर पर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बेंच वाइज और क्लैंप ये दोनों खरीदना बहुत ज़रूरी है। बेंच वाइज आपको 600 से 2000 रुपए तक अच्छे आ जाएंगे और क्लैंप भी आपको 150 से 600 रुपए तक अच्छे मिल जाएंगे। एक और बात, कभी भी 4 इंच के एंगल ग्राइंडर को 5 इंच में कन्वर्ट मत करिए। कभी भी एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट मत करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो हादसे बढ़ सकते हैं। मैंने भी वीडियो बनाए हैं कि एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कैसे कन्वर्ट करें, 4 इंच के एंगल ग्राइंडर को 5 इंच में कैसे कन्वर्ट करें, मगर मैंने लास्ट में ये भी बताया है कि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए हैं और ऐसा आप नहीं करें, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पहली बार ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये सब काम बिल्कुल ना करें। अगर आप एंगल ग्राइंडर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रंट स्विच वाला एंगल ग्राइंडर ही लीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें पुश बटन आता है, आप पुश करेंगे आपका एंगल ग्राइंडर चालू रहेगा और छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। बाकी दूसरे जो एंगल ग्राइंडर आते हैं उसमें टोगल स्विच आता है, पीछे बटन दिया रहता है, इसको आप बंद और चालू करते हैं। ये एंगल ग्राइंडर लेने से बचें, क्योंकि कभी आपने इसको चालू किया और आपका एंगल ग्राइंडर पुश बैक मारता है तब फिर इसको बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये नीचे घूम के चक्कर काटेगा और फिर इससे हादसे और बढ़ सकते हैं। इसलिए टोगल स्विच वाला एंगल ग्राइंडर मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। आप मेरे कितने भी वीडियो देखेंगे जो मैंने YouTube में डाले हैं उसमें मैंने आज तक टोगल स्विच वाला एंगल ग्राइंडर कभी यूज़ नहीं किया है। फ्रंट स्विच में भी दो ऑप्शन आते हैं, एक तो पुश और यदि मैं थंब ऊपर जाके प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। तो इसको आप लॉक पोजीशन में कभी ना चलाएं। बिगनर्स तो खास तौर पे लॉक पोजीशन पे कभी ना चलाएं, हमेशा पुश पोजीशन पे ही चलाएं। जस्ट पुश करके आप रखें, यदि कोई हादसा होता है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। फ्रंट स्विच एंगल ग्राइंडर थोड़े से महंगे आते हैं टोगल स्विच के मुकाबले, मगर मैं ये आपको कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा खर्च करना ही ठीक रहेगा और आप फ्रंट स्विच वाला ही एंगल ग्राइंडर लीजिए। पावर टूल्स को हमेशा एक फैमिली मेंबर का दर्जा दीजिए, टाइम टाइम पर सर्विसिंग करिए, ग्रीसिंग करिए और उसको हमेशा साफ करके रखिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्राइंडर ब्लेड्स की सेफ्टी टिप्स के बारे में। जब भी आप ग्राइंडर में ब्लेड लगाएं तो एरो देखकर लगाएं। हर ग्राइंडर में एरो होते हैं, ये देखिए इस तरफ ये एरो है जो कि राइट हैंड साइड में होता है। मैं आपको एक और ग्राइंडर दिखाता हूँ, देखिए इसमें भी आपको एरो देखने को मिल जाएगा। आपको ब्लेड लगाने के लिए एंगल ग्राइंडर और ब्लेड का एरो मैच करना है, तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा। ये देखिए, अब मैं आपको ज़रा पलट के दिखाता हूँ तो ये इस प्रकार से मेरी ब्लेड लगेगी। मगर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रिंट देख के ब्लेड लगाते हैं, प्रिंट यहाँ है तो ऐसे ब्लेड लगा देते हैं। ये तरीका गलत है, सही तरीका है कि आप एरो देख के ही ब्लेड को लगाएं। इसके बाद में मैं आपको दो प्रकार के डिस्क और बताता हूँ, एक फ्लैप डिस्क होती है और एक मेटल ग्राइंडिंग डिस्क होती है। ये देखिए, ये हमारी फ्लैप डिस्क है, तो यदि आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये जो हमारा नट है इसमें ये देखिए आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा होगा, इसमें आपको उभरे हुए भाग की तरफ नहीं लगाना है, इसको आपको जस्ट जैसे बाकी ब्लेड्स लगाते हैं वैसे ही लगाना है। तो ये है सही तरीका। मगर अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्राइंडिंग व्हील। ये देखिए, ये है हमारी मेटल ग्राइंडिंग व्हील, ये मैंने इसको लगाई। अब यदि मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये गलत तरीका होगा, ये जो उठा हुआ भाग है ये इस तरफ आएगा और फिर मुझे ये ऐसे टाइट करना है। तो ये अब है सही तरीका। तो हर ब्लेड लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेक श्योर वो तरीके आपको आते हों तभी आप ये सब ब्लेड्स लगाएं। जब भी आप ब्लेड लगाएं तो RPM देख के लगाएं। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जो मेरी ब्लेड का RPM है वो है 12,200।
तो ये ब्लेड में उन ग्राइंडर में लगा सकता हूँ जिनका आरपीएम 12,200 या फिर उससे कम है। ज़्यादा आरपीएम के ग्राइंडर में अगर मैं इस ब्लेड को लगाऊंगा तो टूटने के चांसेस हैं। इसके बाद यदि मैं आपको ये वाली ब्लेड दिखाऊं तो इस पे आरपीएम मेंशन है 15,200, तो ये ब्लेड उन ग्राइंडर में लगेगी जिसका आरपीएम 15,200 या फिर उससे कम है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ब्लेड लें तो एक बार आरपीएम ज़रूर चेक कर लें। अब हम लोग आरपीएम पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं मेटल कटिंग ब्लेड पे? तो ये जो ब्लेड्स हैं बहुत कच्ची होती है, ये देखिए मैं ऐसे ही टूट जाती है, मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। इनमें कुछ जान नहीं होती है, ये बहुत हल्की होती हैं, कट रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये तुरंत टूट जाती हैं। ये देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए, इनमें ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है। अगर मैं इस ब्लेड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका आरपीएम भी 15,300 है और ये भी बहुत कच्ची ब्लेड्स होती है बेसिकली, जिससे हम लोग मेटल कटिंग करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप मेटल कटिंग ब्लेड से कभी भी ग्राइंडिंग मत करिए। ग्राइंडिंग के लिए अलग व्हील्स आते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के और भी अलग व्हील्स आपको ग्राइंडिंग के लिए मिल जाएंगे, मगर ये जो ब्लेड्स हैं इनसे आप ग्राइंडिंग मत करिए। ये जैसा मैंने बताया कभी भी टूट जाती हैं, देखिए ये क्या हालत हो रही है इनकी। तो यही कारण है कि हमारे एंगल ग्राइंडर से एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं। अब लास्ट बात जो इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप लोग कभी भी ग्राइंडर में कटर व्हील इस्तेमाल ना करें। देखिए मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो हमारा ग्राइंडर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और वुड कटर मशीन घूमती है क्लॉकवाइज, और इसकी जो बनावट है ये तब प्लाई काटता है जब ये क्लॉकवाइज घूमता है। अब आप ये देखिए कि आप इस व्हील को ऐसी मशीन में लगा रहे हैं जो कि उल्टी घूमती है, तो ये पुशबैक करेगा ही करेगा और जो इसके दांत हैं वो अटक जाते हैं और फिर इससे होता है बहुत बड़ा हादसा। हाँ, अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर स्टैंड है तब फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट यदि आपके पास एंगल ग्राइंडर स्टैंड नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करिए। आपका जो ग्राइंडर है जब भी आप इसको चलाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि ये प्ले नहीं होना चाहिए यहाँ से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्राइंडर यूज़ करते हैं फिर ग्रीसिंग भी नहीं करते हैं, सर्विसिंग भी नहीं कराते हैं, तो ये प्ले होने लगता है। तो अगर ये प्ले होगा तो वो सबसे ख़तरनाक बात होगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप इसमें डिस्क लगाएंगे और टाइट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये प्ले हो रहा है। अगर ये प्ले हो रहा है तो आप ग्राइंडर को इस्तेमाल ना करें, पहले इसको ठीक कराएं उसके बाद यूज़ करें। जब भी आप ग्राइंडर यूज़ करें तो प्रॉपर तरीके से आप ईयर मफ लगाएं, ग्लासेस लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ईयर मफ आपको आ जाएगा कुछ 500 से 700 रुपए के बीच में, और यदि कभी ऑफर्स चल रहे होंगे ऑनलाइन तो सस्ता भी मिल सकता है। ये ग्लासेस बहुत सस्ते हैं, 150-200 रुपए में 2 पेयर आ जाते हैं। इसके बाद आप हैंड ग्लव्स भी यूज़ करिए, ये जो हैंड ग्लव्स हैं ये भी बहुत सस्ते आते हैं, 300 रुपए के कुछ 5-6 पेयर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पर चाकू वाकू चलता नहीं है, कुछ देखिए कटता नहीं है, आप इसको काट नहीं सकते हैं। हम एंगल ग्राइंडर से लोहा काटते हैं तो फिर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही कट जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम आयरन काटते हैं या कोई रॉड काटते हैं तो उसके चिप्स निकल जाते हैं, तो चिप्स हमारे हाथों में गड़ जाते हैं। तो ये जो हैंड ग्लव्स है ये चिप्स से बहुत अच्छे से हमारी प्रिकॉशन करता है। हैंड ग्लव्स पहने या फिर ना पहने ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मेरी पकड़ ग्राइंडर पे अच्छी आएगी विदाउट हैंड ग्लव्स तब फिर आप इसको मत पहनिए। मैं इसको इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मुझे लगता है कि अब मैंने हैंड ग्लव्स पहने हैं, प्रॉपर सब कुछ चीज़ें पहनी हैं, तो अब मुझे कोई डर की बात नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ चीज़ों का यूज़ करता हूँ। इसके बाद यदि मैं आपको थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर शूज़ पहने हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको शूज़ दिखाने के लिए मैंने पहने हैं, जैसे ही मैं मशीन पे कुछ भी काम करता हूं तो मैं शूज़ प्रॉपर तरीके से पहन लेता हूं, क्योंकि ग्राइंडर से काम कर रहे हो या कोई भी मशीन से काम कर रहे हो, भले ही आप हैमर हथौड़ी यूज़ कर रहे हो, अगर वो आपके पैर पे गिर गई तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। ये जो हमारी मशीनें ये 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो की होती हैं, कभी भी गिर सकती हैं या कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रॉपर शूज़ पहन के ही काम करिए। ग्राइंडर से मेरे घर में भी हादसा हो चुका है, और हादसा हुआ था मेरे पापा के साथ में। मेरे पापा काम करते थे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत की 9 रत्न कंपनी में से एक है, जिसको हम लोग भेल भी बोलते हैं। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स बनते हैं और मेरे पापा को 40 साल से भी ज़्यादा का तजुर्बा है इन सब इक्विपमेंट्स के साथ में काम करने का। तो हादसा कुछ इस प्रकार से हुआ था कि मेरे पापा ग्राइंडर से काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और जैसे ही उन्होंने ऑब्जेक्ट पे लगाया ये ग्राइंडर पलट गया और पूरा अंगूठा काटते हुए चले गया। ये जो अंगूठा है ये पूरा नीचे लटक गया था। तो ग्राइंडर से इस प्रकार के बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं और मैंने अपनी लाइफ में कई हादसे देखे हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पापा ने 40 साल बिताए थे मशीनों के साथ काम करते हुए, मगर उसके बाद भी ग्राइंडर से हादसा हो गया। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग ग्राइंडर को कभी भी हल्के में ना लें, जब भी आप ग्राइंडर चलाएं पूरे प्रिकॉशन के साथ में चलाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। और यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।